वहीं राजस्थान में आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए राजस्थान के सीएम गहलोत पर भी जमकर हमला बोला। इस रैली का आयोजन गंगानगर के रामलीला मैदान में किया गया था। वहीं भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में इसे लेकर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित IIT भी G20 के अंतर्गत S20 मीट का आयोजन करने जा रहा है। 21 से 30 जून तक आयोजित होने वाले इस मीट में हिमाचल का और देश के दर्जनों वक्ता भी शामिल होंगे, जिसमें हिमाचल के राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम और पद्मश्री हेमा मालिनी का नाम भी शामिल है। I am very happy to share with you that IIT Mandi is organizing G20 S20 meet starting from Yoga Day, that is 21st June 2023, until 30th June. G20 and S20 event is being organized at IIT Mandi primarily to highlight the economic development, in particular sustainable development of Himachal region. We being situated in Himachal Pradesh, it is our cardinal duty to ensure that Himachal Pradesh gets all-round development. तो सहयोगी जसवीर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, फिलहाल कैसी तैयारी चल रही है G20 की बैठक को लेकर, क्योंकि देखिए पूरे देश भर में खुशी का माहौल है और 21 से 30 जून तक देखिए मीट का आयोजन वहां पर होने वाला है। जसवीर। बिल्कुल सागर, आप सही बोल रहे हो। भारत G20 का पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रहा है, जिसको लेके 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में G20 का ये आयोजन तैयार किया गया, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ हेमा मालिनी भी भाग लेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो स्थान है मंडी जिले के अंदर IIT का है, जहाँ पे देश भर के जितने भी बड़े कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं सागर जी। लेकिन जसवीर, जब इस कार्यक्रम का आयोजन होगा तो फिर कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे, तैयारियां वहां पर कैसी होंगी, कुछ और जानकारी? तैयारी को लेकर तो बहुत बड़ी पैमाने पे तैयारी की गई है, और दिग्गज नेताओं की अगर बात करें तो जो हिमाचल के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हेमा मालिनी के साथ कई ऐसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इसमें भाग लेंगे सागर। चलिए शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। वहीं हरियाणा के करनाल में लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी भी की है। कर्मचारी बेसिक सैलरी 35,000 रुपए लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं हजारों की संख्या में कर्मचारी आक्रोश वहां पर करते हुए दिखाई दिए। वहीं बहादुरगढ़ में किसानों ने रेलवे ट्रैक हाईवे को रोकने का कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल का मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय निर्धारित करवा दिया है। वह 20 जून को किसानों की मुलाकात सीएम मनोहर लाल से होगी और किसानों की समस्याओं के समाधान पर बातचीत भी की जाएगी। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान करीब 163 दिन से आंदोलन वहां पर कर रहे थे। किसानों का कहना था कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन करने के इस बारे में सोचा है। फिलहाल सीएम से बातचीत का समय मिलने की वजह से रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को रोकने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। हरियाणा के भिवानी में प्रदेश कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। संबंधित अधिकारियों को फोन करके तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन लोकसभा चुनाव समय से पहले नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस और केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि देश की जनता मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।